रहेगा बेटा टॉप रैंकर, इज्जत से तो स्पॉट पे जाएं, पटारी स्पोर्ट्स के ऊपर गॉडलाइक का जो प्रहार है वो देखने को मिलता हुआ। पहले खिलाड़ी को नॉकआउट किया गया, देखना ये कि बाकी के प्लेयर्स क्या वो यहाँ पे फाइट बैक करने की कोशिश करेंगे। पंक उन्होंने भी जो पोजिशनिंग है वो देख ली है अपने ओपोनेंट की, और ऐसे में अब यहाँ से बच के निकल पाना वो काफी ज्यादा मुश्किल काम रहने वाला है। अक्षु अभी भी ऊपर की तरफ मौजूद है, वही एक खिलाड़ी थे। और अगर आप इसी तरीके से खेलते रहे तो जो कल के दिन पे तीन मुकाबले वहां तो बहुत दिक्कतें आने वाली है। अक्षु वो खिलाड़ी अकेला बचा और उन्होंने जॉनसन को डाउन करा, और सामने एक और खिलाड़ी एडमिन, उनके एचपी बहुत ज्यादा कम रहेगी। और इसी चीज की मैं बात कर रहा था, आरी स्पोर्ट्स उन्हें लड़ने की जरूरत है, उनके पास फायर पावर बहुत ज्यादा, इस तरीके से भागने से काम नहीं चले करते हुए नजर आए। और साई का तो वैसे भी पिछला मैच बहुत ज्यादा बढ़िया गया है, और वो तो चाहेंगे कि फाइट लें, भले आप ये फाइट हार जाएं पर कम से कम आपके अंदर वो मोटिवेशन आएगी कि बचे हुए जो तीन मैचेस हैं वहां पर भी आप वो कारनामा कर सकते हैं। चंदन डाउन करे गए, विजय वो भी डाउन कर दिए गए, और अब साई बस्ती है दो खिलाड़ियों के साथ। मोलोटॉफ के अंदर एक और खिलाड़ी परसिंप, वो भी मोलोटॉफ के अंदर चले गए, विजय हालांकि वो फिनिश करे गए। और अब जॉनाथन उनकी बारी ग्रेनेड से, और एक ग्रेनेड क्या वो ठिकाने पर, जी नहीं, वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। चंदन जो डाउन पड़े हुए हैं वो आसानी से फिनिश भी कर दिए जाएंगे। एडबिनो वो भी आगे गए, एक और नॉक निकाला गया, और अब साय वो बचते हैं। तो कौन वो खिलाड़ी रहेगा जिसके दिमाग में आइडिया आएगा, चलिए पंक फाइनली वो आगे जाएंगे, एडबिनो के खाते में वो जो फिनिश है वो जाएगा, और छह फिनिशेस के साथ साइंडी उन्हें फिनिशेस की जरूरत है। जिम जैम उनके ऊपर वो गाड़ी चढ़ गई, पर अरे वो भी डाउन करे गए, पर लॉबस्टर वो फाइट के लिए तैयार थे, सुपर बॉय वो डाउन करे गए, पर अरीव का जो फिनिश था वो सिंप ने चुरा लिया। और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक जैसे कि हमने चर्चाएं करी कि वो अब थोड़ा फ्रीली खेल सकते हैं, वो अब थोड़ा अटैकिंग माइंडसेट के साथ खेल सकते हैं। एडबिनो वो व्हीकल लेकर के आगे जा जरूर है, पंक का एक ग्रेनेड क्या कनेक्शन बनाएगा वो देखने वाली बात। जी हाँ, वो कनेक्शन बनाएगा, अभी एचपी बहुत ज्यादा कम वहां पे खिलाड़ी की देखने को मिल रही है, लेकिन वो फिनिश लॉबस्टर के खाते में ही जाएगा। और अब ड्रैगन वो थोड़ा बैक ऑफ करते हुए नजर आएंगे इस फाइट से, डुओरा वो बचे जरूर है, चलिए एक और ग्रेनेड गया और पंक उनके खाते में जाता हुआ। जिम जैम का फाइट लेकर अपना एक खिलाड़ी नॉक करा दें और फिर सामने वाले को न्योता दें कि वो वापस आ पाए, पर टीम गॉडलाइक आज तो वो रुकने के मूड में है भी नहीं, और उसी तरीके से वो खेलते हुए दिखाई भी देंगे। अगर मैं गलत नहीं तो 10 का आंकड़ा ऑलरेडी उन्होंने पार कर लिया है, जो खिलाड़ी एक नॉक पड़ा हुआ है उसको वो फिनिश करेंगे, 10 का आंकड़ा पार करेंगे। जी हाँ, एक्सट्रीम चुनौतियों के लिए तैयार हमें टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक देखने को मिल रही है। ईस्टर्न एज का कंट्रोल और बढ़िया रोटेशन भी हमें वहां पर देखने को मिली, हालांकि सिम के रूप में कैजुअलिटी आ चुकी है। जॉनसन एक भी फिनिश उनके खाते में अभी तक नहीं आया, और उनको भी स्पॉट किया जा चुका है। क्या बेहतरीन कनेक्शन हमें एजे के द्वारा देखने को मिलता हुआ, ये वन ऑफ द बेस्ट कनेक्शन फॉर श्योर रहने वाला है। क्या शानदार वो शॉट, पर फिलहाल के लिए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक दिक्कतें उनके लिए ज्यादा बढ़ने वाली, उनको कई जगह से शॉट्स आएंगे। नियो उन्होंने पंक को डाउन किया, और अब एडमिनो बचते हैं वो आखिरी खिलाड़ी, और कार्निवल गेमिंग शायद उनको अंदाजा होगा कि ये टीम है कौन सी और कितने खिलाड़ी उनके बचे रहेंगे। आरटीजी एक साइन डी उनकी फाइट हुई, रैल्फी वो डाउन करेंगे, रीडेन वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, उनका भी एलिमिनेशन। जी हाँ, और फिलहाल के लिए वो कॉम्बिनेशन आप टीम जी पर देख पाओगे, विन गॉड उनके पास सर्कल का बढ़िया एडवांटेज है, पर पंक जो खिलाड़ी अपनी टीम से सबसे आगे गया था और वही जोन के अंदर मौजूद थे, ब्लिस के एक खिलाड़ी को उन्होंने डाउन किया, हालांकि कुछ खास फायदा उसका मिलेगा नहीं क्योंकि ब्लिस के बाकी भी खिलाड़ी उनके साथ हैं, आसानी से वो रिवाइव कर देंगे, पर बाकी जो है और उनको समझ आया और उससे पहले मॉब वहां से निकल गए, पर ये स्प्रे सिम्प का कमाल का स्प्रे, एजे वहां पर नॉक कर दिए गए, और ब्लिस अभी भी मौका है कि अपने खिलाड़ी को सही सलामत रिवाइव वो कर सकते हैं। ब्लिस के प्लेयर्स पर प्रेशर बनाने में बहुत बड़ा हाथ है सिम्प का इस समय, खुद जोन के बाहर है लेकिन ये एक बहुत अच्छा तरीका उनका प्रेशर डालने का, हालांकि अब इस बार के शॉट्स उनके ऊपर लग नहीं पाए ब्लिस के प्लेयर्स के ऊपर, लेकिन ब्लिस के प्लेयर्स वो उस एक रिज का एडवांटेज लेकर के कवर बना करके मूव करते हुए नजर आएंगे, लेकिन जैसे ही वो आगे जाएंगे तो बाकी खिलाड़ी टीम्स ही जो एकदम हाई ग्राउंड पर थी वो उनको दिक्कतें देती हुई। मीनवाइल जिम जैम ड्रैगन्स की तरफ से भी कोशिशें करी जा रही है दूर दराज के एरियाज में फाइट लेने के लिए, स्काउट के ऊपर डैमेज आया और ये फाइट ये अब एक थ्री वे बैटल बन चुका है। अब वैक्सी को कमान संभालने की जरूरत है क्योंकि कंट्रोल लेंगे हर कोई आपको देख पाएगा और आपके पास कोई कवर वहां पर मौजूद नहीं होगा, पर टीम गॉडलाइक वर्सेस नॉनएक्स उनकी फाइट की शुरुआत होती हुई, पंक सबसे आगे गए, टर्बन को उन्होंने देखा है, डैमेज दिया गया, नॉइजी बॉय उनको भी देख लिया गया, जिम जैम वो डाउन करेंगे रैल्फी के द्वारा, और अब टीम गॉडलाइक इस फाइट के लिए बिल्कुल तैयार, उनको भी पता है कि पिछला मैच उनके लिए शानदार रहा है, 24 अंक निकाले तो यहां पर एक थोड़ा रिस्क तो बनता है। एडमिनो ग्रेनेड के साथ वो भी तैयार, चार ग्रेनेड्स उनके
झोली में और डैमेज उनको भी पड़ा रिलोड करने की जरूरत, पर जैसे मैं कह भी रहा था टीम जी उनके लिए उन्हें भी तो फिनिशर्स चाहिए होंगे। आरटीजे एक्साइंडी राल्फी वो प्ले जोन का शिकार होंगे और टर्बन वो यहां पर डाउन कर दिए गए, यानी कि टीम गॉड लाइक उनके पास पूरा मौका है कि वो यहां से निकल सकते हैं, पर साइक विजय वो आगे आए थे उनका भी एक खिलाड़ी डाउन है। पर बन सके एरिया अच्छा होल्ड कर रहे हैं लेकिन जोनाथन की एचपी थोड़ी सी कम करी गई। टीम का एलिमिनेशन मीनवाइल हो चुका है। शुभ एक इंपॉर्टेंट नॉक एडविनो को टेक डाउन किया उन्होंने और जोनाथन को भी टेक डाउन किया, बट अब आगे की फाइट लेनी पड़ेगी। पंक सर्वाइव कर रहे हैं, मल्टीपल शॉट्स उनके ऊपर आए, डैमेज जरूर पड़ा, फिनिश करने की कोशिश। नॉनएक्स के शुभ अकेले पूरा भार संभाल चुके हैं लेकिन सिंप की चुनौती कैसे पार पाएंगे। अब अकेला खिलाड़ी बचा हुआ है सिंप, उन्होंने वो फिनिश करना खिलाड़ी को ज्यादा सही समझा। रश बॉय उनका एलिमिनेशन हुआ। पंक अभी भी एडमिन, आज तो एक अलग ही दिन चल रहा है जहां पर हर किसी खिलाड़ी को वो नॉक करते हुए दिखा दिए, पर सिंप वो अकेले जाने की चाह रखते हैं, पश्चिम उन्होंने सिंप को डाउन करा और अब यहां पर टीम गॉड लाइक उनके लिए दिक्कतें ज्यादा बढ़ने वाली क्योंकि वो टीम जोन के अंदर नहीं, पर सिंप का फिनिश कोई और निकाल कर जाएगा और बिजॉय ही थे जिन्होंने शुभ को एलिमिनेट किया। एसबीए उनका एक खिलाड़ी पहले ही एलिमिनेट हो गया था, पर पंक उनको यहां पर फिनिशेस निकालने की जरूरत है। जिमजाम उनको नॉक किया गया था पर एडमिनो वो दिखाई दे गए, स्टार बॉय उन्होंने बिल्कुल भी वो मौका गवाया नहीं, एडमिनो नॉक कर दिए गए। टीम गॉड लाइक हीलिंग्स उनके पास बिल्कुल भी नहीं और इसीलिए उन्होंने रिवाइव करना भी ज्यादा सही नहीं समझा। एक ग्रेनेड पंक के काफी करीब एंड इनफैक्ट हेक्टर टीम ब्लिस के प्लेयर्स के लिए मुश्किलें करते हुए ईजे खुद को सरवाइव करने की कोशिश तो किया था हेक्टर ने, बट अब हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक भी फाइट में। जी हाँ, वो बैक लाइंस पे हमें देखने को मिल जाएंगे सिंप एक ग्रेनेड के साथ, लेकिन क्या वो कनेक्शन बनाएगा। वहीं दूसरी तरफ पंक उन्होंने स्काउट को डाउन किया है, दो पुराने यारों की टीम एक दूसरे के। पंक एक ऑफ एंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कार्निवल के खिलाड़ी भी साइडलाइंस में दिख सकते हैं। एडमिनो की तरफ से एक थ्रोएबल जाएगा, मॉप के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा और एजे के कंधों पर बहुत ज्यादा भार है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनके सारे खिलाड़ी हैं और वो एक अच्छी किसी भी चीज का डर नहीं है। गॉब्लिन बहुत ज्यादा दूर अपने टीममेट से और उनका बच पाना थोड़ा मुश्किल ही रहेगा। स्काउट उनको एक बार फिर से डाउन कीजिएगा लेकिन वो जो फिनिश था वो जिम जैम के खाते में जाएगा। टीम ड्रैगन्स आप कह सकते हैं कि उनका भी ये मुकाबला काफी बेहतर जाता हुआ। तो इन्फॉर्मेशन है और जोनाथन उस इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लॉइट करने के लिए थ्रोएबल्स का इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करते हुए अच्छे ग्रेनेड्स जा रहे हैं और एडी को टेक डाउन किया जा चुका है, मतलब अब टीम जी की मुश्किलें और बन चुकी हैं। और दूसरी तरफ एसबीए के प्लेयर्स उनके पास भी हायर ग्राउंड है लेकिन इस गेम में हायर ग्राउंड से ज्यादा अब जोन को तवज्जो देनी पड़ेगी। जी हाँ, और साथ ही साथ ब्लिस के एजे वो भी सरवाइव कर रहे हैं, टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को हल्का सा सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। चलिए ये नॉक का भी फिनिश वो टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ने नियो को टेक डाउन किया और अब एक एक करके कार्निवल गेमिंग उनकी भी जो मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। एजे वो एक आखिरी खिलाड़ी है जो यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, डैमेज बहुत ज्यादा आ चुका है और अब इनका भी सर्वाइव यहाँ पे कर पाना लगभग नामुमकिन। एक और थ्रोएबल जोनाथन की तरफ से और एजे को भी खत्म किया जाएगा। इस बार ये फिनिशेस टीम के पास जाते हुए चार फिनिशेस टीम के और सर्कल में एक डिसेंट सा एरिया, बट कार्निवल के लिए एक बढ़िया नॉक आया जरूर है। वहां पर रिवाइवल की जो कोशिश की जाएगी, पंक उन्होंने भी एक नॉक निकाला और देखते ही देखते मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ती हुई ओरिजिनल्स की। पंक की सबसे अच्छी बात अपनी टीम से थोड़ा सा अलग है, तो अगर कोई भी टीम कोई भी प्लेयर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के बाकी प्लेयर्स को देखने आ रहा है तो वो ऑफ एंगल पंक की तरफ से काफी काबिले तारीफ होता हुआ। जोनाथन भी उनके साथ आ चुके हैं तो एक 2-2 का स्प्लिट इस टीम का, दो खिलाड़ी घर के अंदर एक प्रॉपर कवर में और एक अच्छा ग्रेनेड था, हालांकि स्प्लैश डैमेज गया उससे ज्यादा अभी कुछ नहीं, बट जोनाथन एक और ग्रेनेड करते हुए और इस बार कहानी अच्छे से लिखी गई है। तीन फिनिशेस आ चुके हैं जोनाथन के खाते में, टोटल 13 फिनिशेस के साथ टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो तैयार नजर आ रहे हैं। आईक्यू बीएमपीएस 2024 की चुनौती के लिए एक और फिनिश उसमें जोड़िए और इसी के साथ आईक्यू बीएमपीएस 2024 का।